हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका होस्ट धीरज यादव और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा पंच एडवेंचर मॉडल का, जो कि देखेंगे कि ये मॉडल सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है टाटा पंच एडवेंचर। तो देख लेते हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम में क्या क्या फीचर, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइज, अगर साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहीं पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला आपको टाटा पंच एडवेंचर मॉडल में। और इसी में आपको टाटा पंच एडवेंचर रिदम का भी ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है जस्ट इसी मॉडल में। और यहीं पर अगर हम टायर साइज की बात करेंगे तो 15 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाएगा टाटा पंच एडवेंचर। साइड प्रोफाइल में अगर हम बात करेंगे साइड से, तो साइड से आप देख सकते हैं ब्लैक ग्लाइडिंग आर्च आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरी स्क्रेच लेस रहने। और यहीं पर बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो अगर फ्रंट लुक पे देखेंगे तो फ्रंट लुक भी गाड़ी का काफी अच्छा और काफी बोल्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट लुक में आपको यहाँ पे एक क्रोम करेंगे तो फ्रंट लुक पे आपको यहाँ पे स्लीक एरोट्राइड एरो डिजाइन में आपको LED ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि LED नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर के साथ है। और साथ में ही आपको पियानो ब्लैक ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश टाटा के लोगो के साथ, जो कि गाड़ी को अच्छा लुक प्रोवाइड करा रही है। और देखने साथ ही साथ आपको यहाँ पे हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि 3D हेडलैम्प है, कोई भी प्रोजेक्ट हेडलैम्प या DRL के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है टाटा पंच एडवेंचर मॉडल में। और यहीं पे हम नीचे की ओर देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प एंड ट्रायर एरो डिजाइन दोनों देखने को मिल जाएंगे, इसमें फॉग लैम्प का आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अगर फ्रंट लुक की बात करेंगे तो फ्रंट लुक आपको लगभग तो गाइज, यहीं पे अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में आपको यहीं पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा मिरर पे ही। और अगर तो अगर बैक स्पेस की बात करेंगे कि बैक लुक गाड़ी का कैसा देखने को मिलता है, तो भैया बैक लुक भी काफी अच्छा रहने वाला है टाटा पंच एडवेंचर मॉडल का। और यहीं पे आपको टाटा की क्रोम के साथ बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड करा रही है। और यहीं पे अगर टेल लैंप देखेंगे आप, टेल लैंप भी काफी स्मार्ट और काफी खूबसूरत देखने वाली है ट्राई एरो डिजाइन के साथ। यहीं पे अगर बूट स्पेस की तरफ देख लेते हैं तो बूट स्पेस क्या रहने वाला है, अगर बूट स्पेस की बात करेंगे 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको विद पार्सल ट्रे के साथ, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन दिया गया पार्सल ट्रे बेस से जस्ट ऊपर वाले मॉडल में। किसी किसी में मिलती है, बहुत सारे मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलती है। और साथ में यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है टाटा पंच में। यहीं पर अगर गाड़ी की लेंथ की बात करेंगे तो 3827 mm की लेंथ मिलने वाली है आप टाटा पंच में। और यहीं की अगर ब्रेथ की बात करेंगे तो 1742 mm की ब्रेथ एंड 1615 mm की हाइट देखने को मिल जाएगी टाटा पंच एडवेंचर मॉडल में। तो गाइज, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी 5-star रेटिंग है सेफ्टी की अगर बात करेंगे। और अगर टायर साइज की बात करेंगे तो टायर साइज आपको 15 इंच व्हील कैप के साथ देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, लेट ना करते एक बार इंटीरियर की ओर चलते हैं। गाइज, तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। और इंटीरियर की बात करेंगे तो ड्राइवर साइड से आपको यहाँ पे डुअल टोन देखने को मिल जाएगा सारा, और चारों पावर विंडो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और डोर पे ही आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्यूटर का ऑप्शन सिर्फ टॉप में मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 4 स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और बोतल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ टाटा की गाड़ी में ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और सबसे अच्छा एक खास फीचर की टाटा की गाड़ी में आपको टाटा पंच में 90° डोर ओपनिंग भी मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। तो यहीं पर डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो भैया, डैशबोर्ड भी काफी प्यारा और काफी प्रीमियम दे रखा है डुअल टोन के साथ, जो कि बेस मॉडल का फंक्शनैलिटी है। तो गाइज, अगर डैशबोर्ड देख रहे हैं हम, तो डैशबोर्ड भी काफी प्रीमियम और काफी डुअल टोन दे रखा है, जो कि काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करा रहा है। और यहीं पर अगर स्टेयरिंग की बात करेंगे तो स्टेयरिंग भी आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलने वाला है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग के साथ साथ आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, ये भी काफी अच्छा फीचर है कि आपको स्टेयरिंग ऑडियो मर्ड कंट्रोल बेस मॉडल से ही देखने को मिल जा रहा है। गाइज, यहाँ पे अगर मैं मीटर दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि नॉर्मल क्रिस्टल मीटर है, जो कि काफी अच्छी स्टार्टिंग और काफी अच्छा फेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम करते हैं गाड़ी का मीटर ऑन, तो गाड़ी का डिजिटल मीटर ऑन हो चुका है। और इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे, कितने फ्यूल में कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्या गाड़ी का माइलेज आने वाला है, कितने गियर में कौन से गियर पे गाड़ी चलनी चाहिए, एक्सेलेरेटर, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगी। तो ये काफी अच्छा फीचर दिया गया, अगर एक भी डोर ओपन है तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगी। तो गाइज, एक बार लेके चलते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की ओर, की गाड़ी का ग्लव बॉक्स क्या कहने वाले और कितना बड़ा रहने वाले। तो भैया, गाड़ी का ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा और काफी अच्छा और काफी स्पेसियस है डुअल कैबिन के साथ रहने वाला है। और AC बैंड की अगर बात करोगे आप, तो AC बैंड भी काफी खूबसूरत और काफी अच्छा पियानो बिनिस के साथ आपको डिजाइन किया गया, जो कि काफी अच्छा देखने को मिलता है। और यहीं पे बीच में आपको पार्क
लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा काफी खूबसूरत डिजाइन किया। और नीचे ही आपको सेंटर कंसोल में एसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहां से स्टार्ट और ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। और यहीं पर अगर बात करो कि गियर लीवर को, गियर लीवर भी काफी स्मूथ और काफी स्लीक रहने वाला है। और यहीं पर पियानो ब्लैक फिनिश भी साइड से आपको बॉर्डरिंग में मिल जा रही है। और एडवेंचर मॉडल में आपको एक यूएसबी चार्जर एंड ऑक्स और 12 वोल्ट का एक चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सफिशियंट है भैया इस प्राइस में। गाइस अगर बात करेंगे गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की, तो आपको हार्मन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा 2D की डिस्प्ले के साथ, जो कि 2D के डिस्प्ले के साथ ही रहने वाला है। और सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कितने स्पीकर, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर के साथ। और यहीं पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पेन ड्राइव के साथ दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। और स्पीकर की बात करेंगे तो आपको 4 स्पीकर यहाँ पे चारों डोर पे आपको एक एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम में भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और यहीं पे हम देख लेते हैं एक अच्छे स्मार्ट फीचर की, आपको यहाँ पे एक आइडल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन और इको सिटी मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा फीचर। अगर आप इको मोड पे गाड़ी ड्राइव करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और सिटी मोड पे ड्राइव करेंगे तो थोड़ा सा पिकअप बढ़ जाता है। और यहीं पे अगर आइडल स्टॉप स्टार्ट ऑप्शन की बात करेंगे, तो आइडल स्टॉप स्टार्ट ऑप्शन आपको मार्केट पर्पस में यूज आता है, जो कि काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। गाइस एक बार चलते हैं गाड़ी के बैक स्पेस पे कि लेग रूम भी गाड़ी में क्या देखने को मिल जाता है, तो देख लेते हैं। तो गाइस ऑन करते हैं हम यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे बैक से, काफी अच्छा ये भी दिया है कि आप इसको आराम से यहाँ से ओपन कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन दिया है। जो कि अब देख लेते हैं बैक स्पेस की, बैक स्पेस कैसा मिलने वाला है आपको। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और बैक स्पेस भी आपको काफी है, लेग रूम मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा काफी स्पेसियस दिया गया है, उसमें भी कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं। और गाड़ी की लेंथ तो काफी अच्छी है, उस हिसाब से स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया। और यहीं पर अगर बात करेंगे हम, हैंगर भी आपको दिया गया है, जो कि चारों जगह पे आपको हैंगर दिया गया है गाड़ी में। तो गाइज एक बार रिव्यू कर लेते हैं सारे फीचर की, और कि आपको गाड़ी में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आपको पंच एडवेंचर मॉडल में आपको चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग एंड 4 स्पीकर, 2D की डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम और स्टीयरिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल, ये सारे फीचर आपको टाटा पंच एडवेंचर बेस मॉडल में ही, बेस से जस्ट ऊपर वाले मॉडल में ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी सफिशियंट रहने वाले हैं इस प्राइस में। अगर प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 6.49900 के एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस में काफी सफिशियंट रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हमने बात कर ली है गाड़ी के सारे फीचर की और कॉस्मेटिक सारे फीचर की। और यहीं पे अगर बात करेंगे गाड़ी की सेफ्टी फीचर की, तो सेफ्टी में आप गाड़ी की बात करेंगे तो सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग गाड़ी ने अर्न किया हुआ ही है। और सेफ्टी अगर फीचर्स की बात करेंगे तो आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD ब्रेक एंड CSC कॉर्निंग स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे टाटा पंच एडवेंचर मॉडल में। और अगर की फीचर की बात करेंगे तो की में भी आपको ये रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी स्मार्ट फीचर दिए गए हैं। अगर की फीचर की भी बात करेंगे, बहुत रिमोट तो स्मार्ट है, अगर फीचर की भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है फॉलो मी हेडलैम्प का, भी इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी की लाइट आगे से ऑन हो जाएगी, जो कि फॉलो मी हेडलैम्प के नाम से बोला जाता है। ये फीचर सिर्फ आपको टाटा की ही गाड़ी में देखने को मिलेगा और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। इसी बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो गाड़ी की लाइटें ऑफ हो जाएंगी, जो कि काफी अच्छा और काफी स्मार्ट फीचर है। और एक फीचर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर गाड़ी के रिमोट के लॉक और अनलॉक बटन को दोनों को एक साथ आप प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो गाड़ी बीप करने लग जाएगी, और कुछ फिर अनलॉक या लॉक का बटन दबाएंगे तो गाड़ी बीप करना बंद हो जाएगी, जो कि एक पार्किंग के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इनकेस आपको गाड़ी कहाँ खड़ी की है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप होता है, तो वहां पे आप गाड़ी देख सकते हैं कि भैया मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, किस लोकेशन पे खड़ी है, वो सारी चीजें हैं। तो काफी अच्छा फीचर दिया गया है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर